विधानसभा चुनाव 2022 को सकुशल संपन्न कराने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने जनपद के प्राइवेट स्कूल बस मालिकों के साथ बैठक की। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा कि 3 मार्च को होने वाले विधानसभा चुनाव को संपन्न कराने के लिए ट्रांसपोर्ट की अहम भूमिका होती है तथा बगैर ट्रांसपोर्ट के सुगम व्यवस्था के बगैर चुनाव सकुशल संपन्न कराना नामुमकिन है। उन्होंने कहा जनपद में 6वें चरण में 3 मार्च को मतदान है तथा उससे पहले विधानसभा चुनाव में उपयोग होने वाले सभी वाहन अपना फिटनेस सहित संबंधित प्रपत्र उपलब्ध करा लें, जिससे उपयोग हुए वाहनों के भुगतान में किसी प्रकार की अड़चन न आने पाए और उपयोग होने वाले समस्त वाहनों का भुगतान समय से पूर्व किया जा सके, जिसके लिए प्राइवेट विद्यालयों के वाहन स्वामी कन्फर्म रहे कि भुगतान के लिए उन्हें कहीं चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, जिससे समय से चुनाव में उनके वाहनों का प्रयोग किया जा सके तथा सकुशल चुनाव को संपन्न कराया जा सके। इस अवसर पर ARTO प्रवर्तन VK त्रिपाठी, SP श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, हमने इतने पेमेंट करा दिए, आपका बहुत छोटा पेमेंट है, हम देख लेते कहाँ फंसा है। कोई एफएससी को, कोई मैं बता रहा हूँ, कोई एफएससी कोड या ऐसा कोई मामला फंसा होगा? नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं। खाते में पैसा आया है 8 गाड़ियों के लिए, ये करा दूंगा। एक छोटा सा अरुण सर से मिल लीजिएगा, बात कर लीजिएगा, पर्सनल मिले थे, आपका पेमेंट करा दिया जाएगा। ये बहुत छोटी चीज, मैं आपको भी अमाउंट भी बता रहा हूँ, बहुत बड़ी अमाउंट पेमेंट किए हर चीज का, ठीक है? तो कोई इशू नहीं है, ये तो बहुत छोटा चीज है। 27 को आप लोग जो बता रहे, तो जहाँ से भी गाड़ियों को एंटर होना है तो यातायात विभाग के कुछ कर्मचारी ऐसे रहे जो बिल्कुल जहाँ पे गाड़ी जानी है बिल्कुल सही ट्रैफिक विभाग के लोग। आपको कहाँ गाड़ी बुलानी है सर? सर विश्वविद्यालय सबसे प्रॉब्लम है, जाना इधर है और गलती से दूसरी तरफ चला गया तो और ज्यादा दूसर हम लोगों को करता है। तेल का कोई इशू नहीं है, जो आप बता रहे थे गाड़ियां भरी हो गई, ये हो गई, तो ये हम लोग तय कर देंगे, इंटरनल मीटिंग हो जाएगी, आपको तेल का कोई इशू नहीं फंसेगा। ये एक और इशू है जहां से पार्किंग मतलब पार्क है उसके, इसमें देखिए एक बहुत बड़ी कठिनाई हमारे सामने है जी। आप जानते हैं कि ये तेल जो लेते हैं हम उधार लेते हैं, अन क्रेडिट लेते हैं, और अगर हमने 2-3 पंप को इन्वॉल्व कर लिया तो वो तो पंप बंद ही हो जाता है, आप जानते हैं, वो हमारी मजबूरी है, उसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। बंद हो जाएगा वो, पैसा ही नहीं है, वो सब चीजें हैं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है? हाँ, रोड पे कर दीजिए सर। नहीं नहीं, वो करेंगे, देखिए क्षमता है, 7 लाख 8 लाख तक तो नहीं बोलते, लेकिन इसके बाद फिर वो अच्छा है कि हर रोड पे गाड़ियां निकले तो हर रोड पे कोई रुपए जिससे कि उनको, क्योंकि हमने व्यवहारिक घटना ये देखी है कि एक ही पेट्रोल पंप पे बड़ी लंबी लाइन लग जाती है, आवागमन बाधित हो जाता है जी, जी, और बहुत टाइम लॉस होता है। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी पेट्रोल पंप की ज्यादा हो, ऑन द वे हो, अलग अलग बात हो, इसके लिए मैं DSO साहब से भी इसके रिक्वेस्ट करूंगा। जहां तक डीजल एवरेज का इशू है जी, बहुत ही हमारे पास जो है कैटेगरी अलग अलग गाड़ियों, 20 सीट से ऊपर हम लेना शुरू कर देंगे गाड़ियों को, गाड़ियों की जो वो है उसके डीजल एवरेज के हिसाब से आपको डीजल की जो डिमांड होगी उसको पूर्ण की जाएगी, ठीक है, क्लियर है। दूसरी चीज, जितनी भी गुड्स व्हीकल हैं उनसे भी मेरा अनुरोध है कि हम आपको वो निश्चित स्थान बता देंगे, वहीं पे आपको गाड़ी भेजनी होगी। हमारी गाड़ियां ट्रेवल एजेंसियों से 2 जगह जाती हैं, एक तो पुलिस डिपार्टमेंट के जब VIP आते हैं, ऑब्जर्वर्स हमारे आते हैं तब भी हमारी सेवा लेनी पड़ती है, और दूसरी जो है जब हमारी वो जाते हैं फ्लीट के साथ, उनको हमको गाड़ी देनी पड़ती है, सेक्टर ऑफिसर्स जो जाते हैं, तो वो सब गाड़ियां हम एक जगह चंपा देवी में खड़ा कराएंगे, गुड्स व्हीकल ट्रकों को वहां खड़ा कराएंगे, और शेष बसों का सब यूनिवर्सिटी कैंपस में पिछले इलेक्शन की बात वहीं पे खड़ी होती रहेंगी। डीजल एवरेज का इशू नहीं है, हमारे गुड्स व्हीकल का बिल्कुल क्लियर कट है, हैवी व्हीकल्स के और बसों का सीट वाइज हमारे एवरेज है, हम लोग बैठ करके उसके एक्सपर्ट्स हैं, खुद ही हैं, हम लोग जानते हैं उसको कितना आपको देना है, आपका कोई नुकसान डीजल को लेकर के नहीं होगा। इतनी 4 पहिए तक की गाड़ियां लेके आपसे ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि उससे ऊपर सर की मैं समझता हूँ कि बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा, इमरजेंसी अगर कोई रहेगी तो बात अलग है, लेकिन इसका आपको काम
और जरूरत नहीं पड़ी उनकी हाँ तो दो तीन दिन बाद अगर जो होल्ड कर ली जाती जो गाड़ी हमारे अजू साहब का कहना है कि 16 पहिए तक की गाड़ियां हमको नहीं होंगी। अक्सर वहाँ सामने साथ बैठक की है क्या? देखिए विधानसभा चुनाव 2022 के दृष्टिगत यहाँ पे जो भी गोरखपुर के समस्त वाहन स्वामी जिसमें कि प्राइवेट व्हीकल्स हैं, इसके अलावा जो भी प्राइवेट बस एसोसिएशन के लोग हैं, जो भी ट्रक एसोसिएशन हैं और स्कूल एसोसिएशन के लोगों के साथ बैठक की गई है और इनको वाहन की डिमांड बता दी गई है कि कितने वाहन की आवश्यकता होगी, तो सभी के द्वारा सर्वसम्मति से इसमें कोई निर्णय लिया गया और कोई आपत्ति नहीं की गई है और सभी अपने वाहन को देने के लिए पूर्णतः तैयार हैं और जिसका निर्धारित जो भी शुल्क होगा आयोग द्वारा उसका पेमेंट किया जाएगा। इसके अलावा इनको कोरोना लाइन्स के बारे में पूरी तरह समझा दिया गया है कि इस बार कितने वाहन में एक वाहन में कितनी पार्टियां बैठेंगी बता दिया गया है, वाहन में जो आवश्यक चीज़ें हैं मास्क सैनिटाइजर उसके बारे में उनको गाइडलाइन बता दी गई हैं, तो सभी ने इसमें सहमति जताई है और वाहन व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाएगी। कितने वाहन डिमांड? देखिए गाइडलाइंस के हिसाब से छोटे वाहन बड़े वाहन ट्रक्स और बसेस मिला के लगभग 2 से 2.5 हज़ार वाहन की आवश्यकता पड़ेगी, तो ये इनको डिटेल अलग से दे दी जाएगी और इतनी व्यवस्था पर्याप्त है।